हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंगलोर जायका। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आज मैं चिकन कुफ्ते बना रही हूँ, चिकन खेमा के साथ। बहुत अलग है ये बना के देखो। चिकन खेमा 300 ग्राम लियो मैं, और है ना प्याज, कटी हुई प्याज 1 कप, ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून, कोथिमीर 1-2 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक काट को, और प्याज भी बारीक काट को लेना। 1 अंडा, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, नमक हसबे जायका, और नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस लियो। अब ये कैसा बनाना देखेंगे। एक बाउल में खेमा डाल लो, चिकन खेमा है, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लो। नॉर्मल हमें कुफ्ते बनाती ना, उससे अलग है ये, बना को देखो अच्छा आता है। कोथिमीर कटी हुई डाल रहे हैं उसके बाद, लाल मिर्ची का पाउडर, उसके बाद हल्दी, काली मिर्ची का पाउडर, उसके बाद नमक, गरम मसाला पाउडर, इसके बाद नींबू का रस, इसके बाद हमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून। बहुत इजी बनाना, ब्रेड रोस्ट कर को उसे पाउडर कर ले तो ब्रेड क्रम्स घर में अच्छा इजी बनते। इंशाल्लाह कभी बनाना दिखाऊंगी। और इसमें 1 अंडा पड़ेगा, 1 अंडा डालेंगे। कॉर्नफ्लेयर डाल ले रही हूँ मैं, 2 टीस्पून है ये। इसके बाद हमें अच्छी तरीके से ऐसे मिला लेना पूरा पूरे चीज़ों को। इसके बाद हमें अच्छा मिला ले को, उसमें खीमा बॉल्स है, चिकन खीमा बॉल्स बना ले सकते हैं। देख सकते हैं अच्छा मिक्स हो गया है। अब हमें छोटे छोटे खीमे के बॉल्स बना लेंगे। इसके साथ पूरा बना लेंगे एक एक कर को। आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छे आती हैं। देख सकते हैं पूरे बना लियो मैं कुफ्ते, खीमा के कुफ्ते बना लियो। अब हमें फ्राई करेंगे। एक पैन रख लो, उसमें तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता हमें एक कुफ्ता उसमें छोड़ेंगे। बहुत आसान बनाना है और बहुत मज़े के भी होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। जब ब्राउन कलर आते ही जब तक तलेंगे इसे, देख सकते हैं इसमें कलर आ रहा है। पूरे हमें इसी तरह से तल लेंगे। इसमें अब एक ट्रिप है, ये पूरे काट लेंगे पहले, फिर ऐसा पूरे तले को प्लेट कर लिया। पूरे रेडी हैं, अब हमें इसे निकाल को प्लेट कर लेंगे। प्लेट कर लियो देखो मैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। अब जो भी आपको पसंद आए बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। कीप वॉचिंग बैंगलोर जायका। थैंक्स फ्रेंड्स।